आप जानते हैं कि मोटापे के ज्यादातर केसेस में मंचिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जी हाँ, वही मंचिंग जिसे आप काम करते समय या फिर फ्री टाइम में मूवी देखते समय करते हैं। अब आप कहेंगे कि इसे कैसे रोका जाए। रोकने की जरूरत नहीं, आज आपको बताएंगे एक हेल्दी ऑप्शन। हेलो दोस्तों, हेल्दी रेसिपीज में आज आपके लिए लेकर आई हूँ मेरी फेवरेट चिवड़ा रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी, तो आप इसे कभी भी और कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं, वो भी वेट की टेंशन किए बिना। चिवड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए एक बड़ा चम्मच घी, 5 से 6 कटी हुई लहसुन की कलियां, 8 से 10 करी पत्ते, 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 कप मूंगफली, 10 से 12 कटे हुए काजू, 1/2 कप किशमिश, 1 चम्मच राई, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1 कप पफ्ड राइस यानी मुरमुरे, 1 कप भुनी हुई मूंग की दाल, 1 कप भुने हुए मखाने, 1/2 कप कॉर्नफ्लेक्स, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च। तो चलिए शुरू करते हैं मखाना बनाना। सबसे पहले एक पैन में 1 बड़ा चम्मच घी लेंगे। आप घी की जगह वनस्पति तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा घी प्रेफर करती हूँ। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप इसे ज्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 8 से 10 कलियाँ ली हैं। फिर करी पत्ता, अगर आप चाहें तो करी पत्ता ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ। अब धीमी आंच पर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसके बाद इसमें 1/2 कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली में विटामिन ई, फॉलिक, नियासिन, मैग्नीज और प्रोटीन होता है। ये शरीर को बहुत सारे फायदे देती है। अब पैन में 10 से 12 कटे हुए काजू डालेंगे। आप चाहें तो साबुत काजू भी डाल सकते हैं। काजू में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सेलेनियम और कॉपर जैसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं। अपनी डाइट में इसे शामिल करना एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया है। अब इसमें 1/2 कप किशमिश डालेंगे। किशमिश आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। अब पैन में थोड़ा घी और डालेंगे। इसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच हल्दी डालकर सौटे कर लेंगे, भून लेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं 1 कप मुरमुरे डाल रही हूँ। इसके बाद 1 कप भुनी हुई मूंग की दाल। आप चाहें तो इसे घर में ही रोस्ट कर सकते हैं या फिर चाहें तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। इसके बाद 1 कप रोस्टेड यानी भुने हुए मखाने और 1/2 कप कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर में टेस्ट के हिसाब से नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ हम हेल्दी डाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें लाल मिर्च ना डालें। तो इस तरीके से आपका टेस्टी और हेल्दी चिवड़ा तैयार है। तो अब जब भी मंचिंग का मन करे, देन टेक अ हैंडफुल ऑफ चिवड़ा एंड ईट इट। इसमें मौजूद सीरियल, मखाने और पफ राइस से आपका पेट भरा रहेगा, साथ ही ड्राई फ्रूट्स आपको सेहतमंद रखेंगे।